हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको नेवी डबल आई के फिर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करूँगा। यदि आपने इसके पहले सेटअप ना देखा हो तो देख ही लीजिएगा। यहाँ पे 120 नंबर क्वेश्चन आपका चल रहा है। धातुओं की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए सरल की विधि में क्षण के अंदेश ताप प्रवणता पूछा गया। तो 120 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए आराम से। तो इसका राइट ऑप्शन सी पार्ट राइट है, पूरी क्षण के अंदेश समान होती है। चलिए ठीक है, 120 का सी पार्ट राइट था। यहाँ पे दिया 121 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूटन का जो शीतलीकरण का नियम होता है वह सत्य उतरता है यदि पिंड व उसके आसपास के वातावरण में ताप में अंतर हो। तो 121 नंबर क्वेश्चन देखिए चार ऑप्शन में से। चलिए तो बी ऑप्शन इसका काम होता है, ठीक है, डिक्रीज करता है। चलिए चलिए क्या दिया 122 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन है तो क्या होगा। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। चलिए इस ये सी पार्ट राइट। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया है उच्च ताप टी केल्विन पर विकृत ऊष्मा की जो दर समानुपाती होती है किसकी होती है। 123 नंबर क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे T4 होता है, ठीक है, ये T4 के होता है, ये याद रखिएगा, समानुपाती की बात है, T4 के होता है। 124 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो पिंड है, एक गर्म तथा दूसरा ठंडा है, निर्वात में रखे गए कुछ समय पश्चात गर्म पिंड के ताप का क्या होगा। देखिए गर्म पिंड है, जब वो निर्वात में रखा जाता है तब कंडीशन पूछी गई। 124 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे समान रहता है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन, केवल एक असत्य कथन बताना है, चार ऑप्शन को पहले देख लीजिए। चलिए ऊष्मा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये राइट है। ऊष्मा तरंगे निर्वात से होकर पार नहीं हो सकती है, निर्वात से होकर पार हो जाती है, तो ये आपका ही गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए ये तीनों आपके चलिए तो ये तीनों आप याद रखिएगा, वैसे तो सत्य हैं लेकिन असत्य बात पूछी गई तो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। उसमें तरंगे प्रकाश चाल से चलती हैं, ये तो ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, असत्य कथन पूछा गया, बी ऑप्शन राइट है। 126 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के लिए किसी पिंड द्वारा उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा होती है। 126 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 126 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ताप के विलोम पर निर्भर करती है, बी पार्ट राइट इसका, ठीक है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, किसी सतह द्वारा प्रति सेकंड विकृत की गई ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा निर्भर करती है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा, उपरोक्त सभी पे देखिए क्षेत्रफल पर और ताप के अंतर पर भी प्रकृति जो होती है उस पर भी निर्भर करता है, तीनों ऑप्शन को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चार ऑप्शन वैसे सही है पर उपरोक्त सभी पर। 128 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, देखिए क्या होगा। चलिए किस प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है, तो यहाँ पे विकिरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ऊष्मा चालकता निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है। 129 नंबर क्वेश्चन है दिया गया है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। 130 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण होता है वह कहलाता है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन है, चलिए संचालन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 131 नंबर क्वेश्चन, एक थर्मस फ्लास्क को सभी प्रकार से मतलब पॉलिश किया जाता है तब उसमें मतलब कैसा गुण होता है बताना आपको, कैसा मतलब प्रतीत होगा। आकर्षक बनाने के लिए करते हैं, चमक उत्पन्न कराने के लिए या सभी बाह्य विकिरण को अवशोषित करने के लिए, सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए। 131 नंबर क्वेश्चन है जिसको बताना होगा, चलिए सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन रखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन की बात है, दिया गया एक तार, देखिए ये दिया गया है एक तार को धीरे धीरे गर्म, जैसे कोई तार उसको धीरे 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 गर्म किया जा रहा है, जैसे ताप में वृद्धि होती है जैसे, तो पहले दिखेगा कैसे दिखेगा तो आपको बताना है, धीरे धीरे जब गर्म करेंगे तो तार कैसे दिखने लगता है। तो 132 नंबर क्वेश्चन है तो लाल हो जाता है, जैसे पता होगा जब तार धीरे धीरे गर्म करते हैं रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ज्वाला का जो ऊपरी भाग है उसके पार्श्व भागों से यहाँ पे अधिक होता है तो किसके कारण बताना है। 133 नंबर क्वेश्चन है, सब वन के कारण, लाल जैसे कांच है उसको अंधेरे में गर्म करने पर दिखेगा, अंधेरा है लाल कांच उसको गर्म कर दिया, लाल कांच को अंधेरे में रखा गया कैसा होता है, दिखाई देगा मतलब अंधेरे से, तो देखिए कैसा होगा अंधेरे में रखी जाती है। तो चलिए तो इम्पोर्टेंट था, चलिए 134 का ये पार्ट, हरा होता है हरा दिखाई देगा ग्रीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए दिया गया है एक वस्तु का ताप 10% बढ़ा दिया जाए तो 10% यदि बढ़ाया जा रहा है वस्तु का ताप उत्सर्जित विकिरण की मात्रा कितने गुना बढ़ जाएगी। चलिए क्या होगा, देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया 137 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निर्वात में ऊष्मा का संचलन क्या होगा, देखिए संचरण होता है कैसे होता है। 137 नंबर क्वेश्चन है,
विकिरण द्वारा होता है ऊष्मा का संचरण। लाल कांच के एक टुकड़े को अंधेरे में गर्म किया जाता है चमकने तक, यहाँ दिया गर्म किया जाता है, ठीक है गर्म किया जाता है। चमक का रंग कैसा होगा, वही क्वेश्चन है, सिंपल है, 137 नंबर क्वेश्चन है, लाल हो जाता है, ठीक है। जब लाल कांच पर रखेंगे तो लाल ही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, टुकड़े को अंधेरे कमरे में चमकने तक किया जाता है, चमक का रंग होगा लाल होगा, ठीक है, यहाँ ऑप्शन राइट है। चलिए ठीक है, ए दिया गया ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन कैसी होती है, ऊन का गुण बताइए। तो ऊन देखिए कुछ अलग होती है, चलिए ठीक है। न्यूटन का शीतलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यूटन का शीतलन का नियम एक विशेष स्थिति है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन है, स्टीफन का नियम हो जाएगा, ठीक है। उसमें ए ऊन है कुछ अलग है, न्यूटन का शीतलन का नियम एक विशेष स्थिति है स्टीफन का नियम का। चलिए तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस हिस्ट्री से बने